Today's inspiration: we don't grow when things are easy, we grow when we face the challenges. हम तब आगे नहीं बढ़ते जब सब कुछ आसान हो, बल्कि हम तब आगे बढ़ते हैं जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज का जो वीडियो है वो हमारी डेली रूटीन के बारे में, कि अगर हम अपने डेली रूटीन में कुछ चेंजेस करें तो हम अपने आप को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो इसी बात पे मैं चर्चा करूंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले आपको जो शुरू करना है वो है पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है, यानी पूरी नींद लेना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, स्क्रीन से दूरी बनाकर रखनी आपको बहुत जरूरी है। होता क्या है कि आजकल देर रात तक जागना एक फैशन बन गया है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हमें सोने के लिए चाहिए 7 से 8 घंटे। दिन भर हम जॉब करें, काम करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें रात को जल्दी से जल्दी 10 से 11 बजे तक सो जाना चाहिए, ताकि हम पर्याप्त नींद पूरी करके सुबह 5 से 6 बजे तक उठ सकें। लेकिन लोग क्या करते हैं कि वो रात को देर तक मोबाइल में बैठे रहते हैं बिना काम, बिना वजह के, और वो लेट सोते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। कुछ लोगों की तो ये मजबूरी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को रात को काम करना पड़ता है, दिन में जागना पड़ता है, तो वो एक मजबूरी हो गई, वो कुछ नहीं कर सकते अपने आप सेहत के लिए, चाहे वो जैसे भी करें। लेकिन जो लोग दिन भर काम करते हैं उन्हें रात को सोना बहुत जरूरी है, वो भी जल्दी, ताकि उनकी नींद पूरी हो सके। कोशिश ये करें कि दिन भर अच्छे से काम करें, थकें और रात को जल्दी सो जाएं, और रात भर मोबाइल में भी न लगे रहें। मोबाइल आप सोने से 1-2 घंटा पहले आप छोड़ दें, क्योंकि इसकी जो ब्लू किरणें होती हैं, मोबाइल की जो ब्लू लाइट होती है, वो हमारी नींद को खराब कर देती है और हमारा आंखें की जो रेटिना होती है उसके लिए वो नुकसानदायक होता है। तो आप मोबाइल की स्क्रीन से भी दूरी बनाकर रखें और पर्याप्त नींद लेने की कोशिश करें, ताकि आपकी सेहत अच्छी और स्वस्थ रहे। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको योगासन और प्राणायाम करना बहुत जरूरी है, साथ साथ एक्सरसाइज भी करें तो बहुत अच्छी बात है। रोजाना 20 से 30 मिनट योगासन, योगा और प्राणायाम और एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने में बड़ा योगदान देते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि 3 साल से बड़ा बच्चा योगासन कर सकता है, लेकिन 12 साल से बड़ा बच्चा योगासन, प्राणायाम और एक्सरसाइज के लिए भी कुछ स्टेप्स को अपना सकता है, जैसे कि सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में टोटल 8 आसन होते हैं, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 1 महीने तक 1 से 2 बार सूर्य नमस्कार करना है, जो कि हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी के पार्ट्स के लिए वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप 1 से 2 महीने तक 1 से 2 बार करते हैं रोजाना, तो आपको धीरे धीरे उसके स्टेप्स बढ़ाने चाहिए। आपको मेडिटेशन, कपाल भारती, अनुलोम विलोम, ये सब भी 5-5, 10-10 मिनट करना चाहिए। मेडिटेशन तो आपको 15 मिनट करना चाहिए, ताकि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सके और अपने शरीर को चलाने में आप उसकी मदद ले सकते हैं। तो योगासन, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें आप अपने लिए करें, अपने शरीर के लिए करें, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद। अपनी लाइफ को हम जीने के लिए हमारा जो सबसे जरूरी है वो है सांस। सांस को भी सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। कुछ लोग सांस के ऊपर ध्यान नहीं देते और जैसे तैसे वो आराम से सांस लेते रहते हैं। सांस लेने का जो सही तरीका है वो है गहरी, पूरी तरीके से और आराम से। यानी जब आप सांस लेते हैं तो आपकी छाती और पेट बाहर निकलने चाहिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये दोनों अंदर जाना चाहिए। आपको गहरी सांस लेनी है, धीमे से सांस लेनी है, पूरी तरीके से सांस लेनी है और अच्छे से सांस लेनी है। ये है सांस लेने का पूरा तरीका सही। कुछ लोग क्या करते हैं, हल्का सांस लेते हैं और उसी तरह से जीते हैं, मन में घबराहट, टेंशन, तनाव, जिसकी वजह से वो सांस पूरी तरीके से ले नहीं पाते और उनका शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता, तरह तरह की बीमारियों में घेर लेती है। तो सांस भी अगर आप सही तरीके से लेते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बहुत फायदा। अपने सेहत को सेहतमंद रखने के लिए तनाव से भी दूर रहना आपको बहुत जरूरी है। इसके लिए आप घर को घर रहने दें, घर को ऑफिस ना बनाएं। जी हाँ, कोरोना से पहले भी कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, और कोरोना आने के बाद भी लोगों ने काफी काम घर से करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमारा पारिवारिक माहौल जो है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण होने लग रहा था, क्योंकि हम ऑफिस के काम की वजह से घर में अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते थे।
यही वजह होती है हमारे शरीर में तनाव होने का और हमें बीमारियों को घेरने का। तो कोशिश ये करें कि जहां तक हो सके, जितना हो सके, ऑफिस का काम ऑफिस में ही खत्म करें, घर तक ना लाएं, घर में चीजों को ना ही छेड़े ना ही बोले। घर में पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक माहौल में एक अच्छा माहौल बनाए, खुश रहें, आप भी अच्छे से पर्याप्त नींद लें, तनाव मुक्त रहें और एनर्जेटिक फील करें, ताकि आप सुबह ऑफिस में अच्छा काम कर सकें। तो घर को ऑफिस बिल्कुल ना बनाएं और खुश रहें। तो ये था अपने डेली रूटीन में अपने आप को कैसे तनावपूर्ण और कैसे अपने आप को सेहतमंद रखें। मेरे वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।